फाइनली हमारा चैंपियन अपने घर आ चुका है, बट थोड़े टाइम के लिए, मतलब एपिसोड 135 ऑफिशियली आउट हो चुका है। इस एपिसोड की हमने डिमांड नहीं की थी, बट भाई ऑफिशियली हम इसे डिजर्व करते थे। काफी सारी ऐश के बचपन की बातें हमें इस एपिसोड में पता चली है, और भाई इस एपिसोड को देखते हुए लगा कि ऐश की टीम में एक नया पोकेमोन आने वाला है फाइनली, बट भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐश के रिलीज पोकेमोन की एंट्री होने वाली है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट भाई ऐश के सारे पोकेमोन को हमें इस एपिसोड में दिखाया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। और भाई इसी वीडियो में बहुत सारे फैक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो भाई सब्सक्राइब कर ही देना। तुमने भाई इस एपिसोड में ये बात नोटिस नहीं की होगी कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग और पोल वाले एपिसोड की स्टार्टिंग दोनों भाई एकदम डिटो सेम है भाई। बस इसमें इतना डिफरेंस था कि इस पोकेमोन के एपिसोड में ऐश ने बस ट्रॉफी को ऐड कर रखा है, और उस वाले एपिसोड में ऐश ने ट्रॉफी को होल्ड नहीं कर रखा है भाई। वरना इसके अलावा कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि उसने कॉपी नहीं किया होगा, मतलब डिटो सेम। इतना सा भी कोई भी मेरे को अभी तक फर्क तो देखने के लिए नहीं मिला है यार। भाई ये इस एपिसोड में कुछ थोड़ा बहुत तो चेंजेस कर सकते थे, बट भाई उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐश वर्सेस लियोन की बैटल में उनका सारा बजट हिल चुका होगा, इसलिए इस पे कुछ भी ऐड करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होगा। बट भाई जो भी हो, बस दिखा दिया ना एपिसोड, ये बहुत बड़ी बात है। एक और बार ऐश के सारे पोकेमोन हमें वापस में दिखाए गए भाई, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे तो ये किसी से भी ऐसी बोर्ड से कॉपी कर ले, बस बने हमें पोकेमोन देखने थे। और भाई अब मेरे को इस ऐसी बोर्ड को देखने में मजा तो बहुत आया है, बट आपको भी अगर आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।